अनछुई, कुछ खट्टी। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत का सहकारिता क्षेत्र लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। सरकार की ओर से इस क्षेत्र में नित नए कदम उठाए जा रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि पैक्स, एफपीओ और एसएचजी के माध्यम से जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसका फायदा खूब छोटे और मझोले किसानों को हो रहा है। इस सबके बीच कुछ किसान संगठन आंदोलित भी हैं। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर पंजाब के किसान संगठन धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सरकार उनसे लगातार बातचीत भी कर रही है। ये सरकार के कदमों का ही असर है कि इस बार इन किसान संगठनों का आंदोलन लगातार कमजोर पड़ रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी, तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की कल शुरुआत की। पीएम मोदी ने 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से अगले 5 साल में 700 लाख टन भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी। योजना के तहत देश भर में हजारों वेयरहाउस और गोदाम बनाए जाएंगे। ये एक कदम है जो एक उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कृषि क्षमता को मजबूत करने के लिए अनाज भंडारण योजना आरंभ की है। इसके तहत गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की आधारशिला भी रखी गई। इसका मकसद नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मदद से पैक्स गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्बाध रूप से जोड़ना है। पहले देश में भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, आयात और निर्यात तथा कृषि संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्धन करना है। बहुराज्यीय सहकारी समितियां 1 से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। ये कृषि, टेक्सटाइल, पोल्ट्री और मार्केटिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। किसान उत्पादक संगठन FPO सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र में 1,100 नए किसान उत्पादक संगठन FPO बनाने का निर्णय लिया गया है। देश के किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कृषि ऋण समितियों व कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया था। इनका किसानों को फायदा भी मिल रहा है। किसानों को इनके माध्यम से सस्ते ब्याज पर कर्ज, खाद, बीज और दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। विशाल भंडारण सुविधाओं से किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत ऋण लेने और अच्छी कीमत हासिल करने में सक्षम होंगे। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन करके पैक्स का कंप्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना स्थापित करने की कल घोषणा की। प्रधानमंत्री ने ये घोषणा ऐसे समय में की जब पंजाब में किसान 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। साफ है कि सरकार किसानों के सरोकार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में शुरू की जा रही एक पायलट परियोजना का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख मीट्रिक टन का भंडारण बुनियादी ढांचा स्थापित करने की योजना की है।
इससे किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही समय पर बेच सकेंगे। इससे उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी मदद मिलेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त 500 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा उन्होंने 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में कंप्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना का भी उद्घाटन किया, जिसमें खेती को अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा गया और पूरी तरह से डिजिटल भुगतान पर स्विच किया गया। तो सहकारी क्षेत्र में कई सारे काम हो रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे जो प्रधानमंत्री ने कल शुरुआत की वो हमने आपको बताया। अभी कुछ देर में हम ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर कहीं कि किस तरह से सहकारिता का जो क्षेत्र है वो किसानों को मजबूत कर रहा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और कुछ देर बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ हालात हैं जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ के बारे में। फिलहाल तीन हमारे साथ महत्वपूर्ण गेस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शाहजी केवी हैं, चेयरमैन हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ कपिल मीणा जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के। और हमारे साथ विजय सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेक्नो लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। स्वागत है आपका। कपिल मीणा जी अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम शाहजी केवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाबार्ड से जुड़े हुए हैं। हम दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए ये बताना चाहते हैं कि जो इस वक्त माहौल है किसानों को लेकर के, एक तरफ कुछ किसान संगठन जो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ के क्या कुछ हालात हैं वो तो अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन एक तरफ वो किसान संगठन है, दूसरी तरफ सरकार लगातार कोशिश कर रही है सहकारिता के माध्यम से किस तरह से किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। शाहजी केवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि अगर हम पैक्स की बात करें या FPO की बात करें, तो ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ये रूरल इकोनॉमी के लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं? आप सब जानते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है सबसे तेजी से बढ़ाने वाला एक इकोनॉमी है, पर इसमें यूनिटी लाने के लिए और इक्विटी जो ग्रोथ है उसमें इक्विटी लाने के लिए रूरल एरियाज भी हर सेक्टर की तरह आगे बढ़ाना है। आप सब जानते हैं कि सब इंडिया का जो पॉपुलेशन देखे तो 50-60% तक पॉपुलेशन रूरल इकोनॉमी डिपेंडेंट है। ये छोटे छोटे किसान और मजदूर है, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग अलग से करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो वो एकत्रित करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या FPO बनाने से उनका जो क्षमता बढ़ेंगे, उनके साथ साथ काम करने का भी क्षमता बढ़ेंगे। अगर आगे देखें तो ना, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब मेंबर ड्रिवन इंस्टीट्यूशन है। जो उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो करते हैं उसका फायदा मेंबर्स को ही बांटते हैं। तो और एकत्रित होने से अगर 100 या 500 लोग इकट्ठा करके एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी किए, तो जैसे प्रोसेसिंग किया या आटा भंडारण का योजना किया या कुछ शॉपिंग आउटलेट्स किया, ये सब करने से जो फायदा मिलते हैं, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो फायदा मिलते हैं वो एक डिसाइड सोशल चेंज भी उस एरिया में लेके आ सकते हैं। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के या एक ऐसा ग्रुपों से ऐसा होता है कि एक डिसाइड कॉन्फिडेंस लेवल भी होते हैं, और ये जो सोसाइटीज कैटलिस्ट के रूप में उनका जो रिसोर्सेस इकट्ठा करने का और एक प्लान बनाने का, लोकल एरिया प्लान बनाने का, और जो टारगेट्स बनाते हैं जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका आय कितने बढ़ाना है, ये सब प्लान करने का सुविधा मिलता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। और ये जो मैंने बताया कि हर जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो स्मॉल है, बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्मॉल बहुत कम से करते हैं, बट ये सब एकत्रित करके एक स्केल बना सकते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू।
और इसलिए ये पोटेंशियल देखते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एस्टैब्लिश करने का और एक मिशन है सहकार की समृद्धि, आपने जो कहा है वो सहकार की समृद्धि रिलीज करने का कोशिश में है। ये इससे ऐसा होता है कि जो जो वेलफेयर बनाते हैं, वेलफेयर उधर जनरेट करते हैं, ये सब लोगों के बीच में बांट सकते हैं और ओवरऑल वेलफेयर ऑफ रूरल एरिया आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे साथ कृष्ण वीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के। चौधरी साहब, आप ज़मीन पे हैं, जहाँ पर खेती किसानी हो रही है उसको आप देखते हैं, जो भारत सरकार की ये कदम है खासकर सहकारिता को लेके, कोऑपरेटिव्स को लेकर के, चाहे वो हम पैक्स की बात करें, एपीसी की बात करें, या विभिन्न जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, इसका क्या कुछ असर आप ज़मीन पर देखते हैं? देखिए, अभी जो सुधार हुआ है पैक्स की वर्किंग में, अगर हम देखें तो पूरे देश में 67,000 पैक्स रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन उनमें डिफंक्ट बहुत हैं। अब जो नया मंत्रालय बनाया गया है सहकारिता का, और युद्ध स्तर पे जो काम शुरू किया है मंत्रालय ने, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये एक युद्ध स्तर पे आंदोलन शुरू किया गया, इसकी देश को बहुत पहले जरूरत थी, क्योंकि जो क्रेडिट फैसिलिटीज किसानों को जरूरत होती है कृषि के ऑपरेशंस में, वो प्राइमरी सोसाइटियों के द्वारा पूरी की जा रही है। तो अहम रोल अभी तक पैक्स ने अदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर जरूरत थी उस तरीके से अब उसमें काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अभी पैक्स के कंप्यूटराइजेशन की योजना की शुरुआत की गई है, एक अच्छी शुरुआत है, सिंगल क्लिक पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सोसाइटी कहाँ कितना किस क्षेत्र में कितना काम कर रही है। इसी तरीके से जो एफपीओ की स्थिति है, अभी आप देखें सरकार की योजना 10,000 एफपीओ बनाने की थी, हर ब्लॉक में एक एफपीओ बनाने की थी, 7,700 से ज्यादा एफपीओ का फॉर्मेशन हो गया है। अब उसमें फॉर्मेशन की जरूरत क्यों है? इसलिए है कि जब ग्रुप ऑफ फार्मर्स होगा तो उनकी बार्गेन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उनको मार्केट में कंज्यूमर के साथ लिंक करने के लिए बहुत जरूरत है। हमारे पास कॉपरेटिव का जो सबसे बड़ा उदाहरण रहा है अमूल का, और अमूल की कार्यशैली का, वो दुनिया में सबसे बड़ा मॉडल है। आज जैसी जरूरत है और बाजार में जिस तरीके से किसानों को शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए, सहकारिता आंदोलन में किसानों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, और अभी जो गोडाउन की योजना बड़े पैमाने पे 1,25,000 करोड़ की शुरुआत की है प्रधानमंत्री जी ने, ये एक ऐसा सराहनीय कदम है जो फसल की बर्बादी होती थी उसको बचाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी। और पैक्स के पास जब गोदाम होंगे तो किसान अपना माल गोदाम में रखेगा, और जब वो बाजार में उचित भाव होगा तो उसके लिए वो अपना माल अपनी इच्छा के अनुसार बेच सकेगा, और उसमें एडवांस भी बैंक से जो है किसान को पैक्स में गोडाउन में रखने पर उसको एडवांस भी पैसा बैंक जो है जरूरत के मुताबिक जो एडवांस भी मुहैया करेगा। तो इनका परिणाम जो है धीरे धीरे सुधार होगा, और मेरा तो ये कहना है कि हमारा जो इस देश का 86% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उसका जान बचाने के लिए इन योजनाओं की देश को सबसे बड़ी आवश्यकता थी, और आज उन योजनाओं को शुरू किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसका परिणाम बहुत निश्चित रूप में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिणाम बहुत सुखद होगा, और गरीब किसानों का जो शोषण हो रहा था उससे उनको मुक्ति मिलेगी, उनको उपज का उचित मूल्य क्या लाभकारी मूल्य मिलेगा, क्योंकि जब तक उनको कंज्यूमर से नहीं जोड़ा जाएगा, और कोऑपरेटिव का सबसे बड़ी आवश्यकता है कंज्यूमर के साथ जोड़ने की। ठीक है, फार्म टू फील। ठीक है चौधरी साहब, ऐसा करते हैं कि ये कितनी सफल हो रही है उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका इस वक्त है। एफपीओ क्या है, पैक्स क्या है, एसएचजी से कैसे काम हो रहा है, ये तो हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं। हमारे साथ वेद व्यास सिंह जुड़ रहे हैं, पूर्वांचल पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड फ्रॉम देवरिया, देवरिया से वो जुड़ रहे हैं, और उन्होंने एफपीओ बनाई हुई है। ग्राउंड पे किस तरह से इसका फायदा हो रहा है उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। आपको भी सब। ये बताइए, बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि एफपीओ से क्या कुछ फायदा आपको हो रहा है, और अपने साथ के जो आपके किसान हैं आपके इलाके में, किस तरह से आप फायदा पहुंचा रहे हैं? सर, हम लोगों की एफपीओ 2015 में बनी थी, और तब से
हम लोगों ने पोल्ट्री सेक्टर में पहले काम शुरू किया। हमारे जिले में पहले अंडे बाहर से आते थे और जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो हमारे जिले से बाहर अंडे जाने शुरू हो गए। ठीक है, इसमें नाबार्ड की एक बहुत बड़ी भूमिका रही और हम लोग जो है धीरे धीरे प्रोक्योरमेंट में किसानों के जो उपज है उसको खरीद के एमएसपी पर खरीद कर अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का फिर हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने गेहूं प्रोक्योरमेंट शुरू किया, धान का प्रोक्योरमेंट शुरू किया, हम लोगों ने राइस मिल लगवाई अपनी, हम लोगों को फिर दृष्टि योजना के तहत बीज विधान संयंत्र मिला। अब तक हम लोगों ने लगभग किसानों से 50,000 क्विंटल उनकी उपज धान और गेहूं की हम लोगों ने खरीदा, जिस पर बाजार के तुलना में और एमएसपी का रेट हम लोगों ने दिया 250 रुपए क्विंटल पीछे उनको प्रॉफिट दिया। अब तक हम लोगों ने कुल इस तरह से जोड़ के सीधे प्रत्यक्ष रूप में किसानों को लगभग 1,25,00,000 का प्रॉफिट दिया। अगर हम नहीं होते तो किसान बाजार में बेच रहे होते और बाजार में 250 रुपए क्विंटल पीछे उनको कम रेट मिल रहा है। आज के डेट में भी बाजार में एमएसपी से 250 रुपए क्विंटल का अंतर चल रहा है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से हम अपने किसानों को उनको इनपुट हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, जो खाद है, बीज हम लोग खुद तैयार कर रहे हैं, बीज दे रहे हैं, बीज सरकार को बेच के और उससे भी कंपनी को प्रॉफिट हो रही है। जो हमारे शेयर होल्डर थे इन लोगों ने जितना शेयर लगाया था आज हमारा शेयर लगभग 6 गुना बढ़ गया है। 10 रुपए के शेयर की कीमत इसमें 65 रुपए हो गई है। तो इस प्रकार से अच्छा, अब हमारे पास अभी काला नमक पर हम लोग काम करना शुरू किया। काला नमक चावल चूंकि हम लोग के जिले को GI टैग मिल गया है, अभी इस साल 30-35 एकड़ में हम लोगों ने काला नमक लगवाया है किसानों के खेत में और उनसे हम प्रोक्योरमेंट करके फिर उसकी तैयार करके मार्केट तलाश कर रहे हैं बेचने के लिए। तो हमारे संगठन बन जाने से हमारे किसानों को बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है और हम लोग अच्छे दिशा में काम कर पा रहे हैं। इसलिए समितियां जब से फेल हुई हैं तब से किसानों के पास कोई चारा नहीं था, खाना खाद बीज जो समितियों के माध्यम से उनको मिल जाया करता था वो सब अभ्यर्थियों के माध्यम से उनको मिलने लगा है। ठीक है सिंह साहब, दो सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। एक तो ये कि आपने वहां पर अपना संगठन बनाया, उसके बाद सरकार से जो आपको मदद मिलती है वो मदद कितना आपको उत्साहित करती है? मिलती है कहना, खासकर नाबार्ड को, हम नाबार्ड से जो मदद मिलती है वो तो एकदम से उसका तो कोई वो वर्णन नहीं किया जा सकता है। सरकार के माध्यम से अभी हमको दृष्टि योजना का लाभ मिला, फार्म मशीनरी बैंक मिला, अभी हम लोग ने जो राइस मिल लगवाया था प्रधानमंत्री PMFME योजना के तहत उससे सब्सिडी मिलनी है, लेकिन वो सब्सिडी अभी तक हम लोग को नहीं मिल पा रही है, वो भी कहना संभवतः हो सकता है इस महीने में मिल जाए। तो सरकारी सुविधाएं तो सब हमको मिल रही हैं, इसलिए कि हम संगठित हैं, अब हमको कहीं दिक्कत नहीं हो रही, आखिर में कहीं भी हमारी वो काम रोके नहीं जा रहे हैं, संगठित हो जाने का एक लाभ ये मिल रहा है हमको। ठीक है सिंह साहब, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे बताया गया है कि आपको जाना है, नहीं तो इस विषय पर हम इस कार्यक्रम के जो अंतिम चरण है उसमें हम बात करने वाले थे। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा की सीमा पे वहाँ पर कुछ पंजाब के किसान संगठन बैठे हुए हैं, उनकी अपनी विभिन्न मांगे हैं, हम उनकी क्या मांगे हैं इस वाले विषय पे अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये सहकारिता का रास्ता है, सहकारिता के रास्ते से जिस तरह आप बता रहे थे कि बाज़ार में जो रेट मिल रहे हैं आपने उससे अच्छे रेट अपने किसानों को दिलवाया, तो ये जो सहकारिता का रास्ता है ये उन जो किसानों की अपनी परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, उसके लिए कितना कारगर सिद्ध होता है, कितना फायदेमंद होता है ये सहकारिता का जो रास्ता है? सहकारिता का रास्ता तो उनके किसानों के लगभग का ना 100% सफल है सहकारिता का रास्ता। अगर सहकारिता के रास्ते किसान आ जाए तो हमें धरना प्रदर्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम सारे काम हमारे हाथ में है, कहना एमएसपी पर हम सारे किसानों का जितने हमारे मेंबर हैं सर उनका सारा हम धान खरीद लेते हैं, उनकी सारी उपज खरीद लेते हैं, कोई झगड़ा ही नहीं है। अगर सारे किसान इसके साथ जुड़ जाएं सहकारिता एफपीओ के साथ, सहकारी समितियों के साथ, तो हमारे समझ से धरना प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
जब दांत खाद की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाचे, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। ओ, 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 मोदी की गारंटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सहकारिता का क्षेत्र किस तरह से किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो रहा है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कल जब प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने सहकारिता को लेकर के काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कई बड़ी परियोजनाओं का उपहार दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में PM ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा संचालित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को बेहद अहम पहल माना जा रहा है। PM ने 500 अन्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदाम और कृषि भंडारण से जुड़ी सुविधा निर्माण का भी शिलान्यास किया। किसानों के लिए कृषि उपज भंडारण सुविधा के महत्व का उल्लेख करते हुए PM ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। PM ने नई पहल को बेहद लाभकारी बताया। अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी।
इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे, उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। प्रधानमंत्री ने देशभर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। इससे न केवल इन समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। पीएम ने विकसित भारत के लिए कृषि व्यवस्थाओं में आधुनिकीकरण को जरूरी बताया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। पीएम ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को सराहा। पीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में भी सहकारिता का बड़ा योगदान बताया। पीएम ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सहकार ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का प्रमाणिक तरीका है। शहद के क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए, शहद सेक्टर को किसान आज कितना लाभ उठा रहा है ये भी आप जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में शहद उत्पादन 75,000 मैट्रिक टन से बढ़कर अब लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है। शहद के एक्सपोर्ट में भी 28,000 मैट्रिक टन से 80,000 टन की वृद्धि हुई है। पीएम ने जिन परियोजनाओं का उपहार दिया उनसे कृषि उपज भंडारण में तो सुविधा होगी ही, साथ ही किसानों की फसल का बेहतर दाम भी मिल सकेगा। वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण तकनीक की मदद से कृषि विकास को आगे ले जाने की दिशा में एक और अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कई सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शाहजी केवी हैं, चेयरमैन हैं नाबार्ड के। हमारे साथ कपिल मीणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के। हमारे साथ विजय सरदाना यहाँ पर जुड़े हुए हैं, टेक्नोलीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। हमारे साथ कृष्ण बीर चौधरी हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। और आपको बता दें कि एक खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश पांडे हैं, वो FPO चलाते हैं, नवचेतना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मिर्जापुर में। उनसे हमारा बात करना यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन उससे पहले हम कपिल मीणा जी के पास जानना चाहेंगे। कपिल मीणा जी, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात तो अब साफ हो गई कि सहकारिता एक ऐसा रास्ता है, चाहे हम FPO की बात करें, पैक्स की बात करें या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात करें, इससे काफ़ी फायदा किसानों को होने वाला है। जो किसानों की अपनी चिंताएं हैं उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन इसी में है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ प्रीएक्टिव कदम उठाए जा रहे हैं इन सब को प्रोत्साहित करने के लिए? जी नमस्कार। केंद्र सरकार की ओर से जब सहकारिता मंत्रालय बना 2021 में, आपको जानकारी है, तो उसके बाद में इतनी सारी स्टेप्स, इतने सारे कदम उठाए गए हैं। और सहकारिता क्षेत्र जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि किसानों के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, सहकारिता क्षेत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ही आप कृषि कल्याण आप कर सकते हैं। ये नीड जो है या ये जो जरूरत है उसको अभी हमारी केंद्रीय सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने इसको पहचाना और 2021 में एक नया मंत्रालय बनाया। ठीक है। उसके बाद में इस पे बहुत ही फोकस तरीके से बहुत सारा काम हो रहा है, हुआ है लास्ट 2 सालों में। और ये है कि सहकारिता मंत्रालय
सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नहीं और बाकी सारी कृषि से संबंधित जो जितने भी कृषक हैं हमारे उनको भी उससे जोड़ रही है। तो मतलब कुल मिला के सहकारिता क्षेत्र कृषक मतलब जो कृषि क्षेत्र है उसके साथ में बहुत तेजी से जुड़ा है और ये सारी पहले बहुत सारी पहले करी है सहकारिता मंत्रालय ने। मतलब पिछले 2 सालों में 54 से ज्यादा पहले हमने करी है जिसपे हम लोग सब लोगों को बताते हैं कि हमने 54 पहले करी है जिसमें कि बहुत सारी इनकम टैक्स में हमारी सहकारिता समितियों को रिलीफ की बात हो, उनको कॉरपोरेट सेक्टर के इक्विवेलेंट सुविधाएं देने की बात हो, या फिर जो पैक्स है जो हमारी जो बेसिक यूनिट होती है। सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहले फोकस किया कि हमारी फाउंडेशन यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है। हमारी सबसे छोटी और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होती है पैक्स। पैक्स है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, जिसको कि हम क्रेडिट कोऑपरेटिव बोलते हैं। तो वो क्रेडिट की एक्टिविटी करती थी आज से पहले, मतलब 2 साल से पहले वो सिर्फ क्रेडिट की एक्टिविटी करती थी। वो किसानों को लोन देती थी, उनसे लोन का जो है अपना लोन वापस उनसे लेती थी, उसमें कुछ इंटरेस्ट लेती थी और वो सिर्फ क्रेडिट की एक्टिविटी करती थी। तो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे पहले ये डिसीजन लिया गया कि ये जो प्राइमरी लेवल की सोसाइटी हैं जो कि ग्राम पंचायत के लेवल पे होती हैं, उनको कैसे जो है उनको बेटर बनाना है। और पैक्स की सिचुएशन जो थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पैक्स थी वो सिर्फ क्रेडिट सोसाइटी थी और उनकी सिचुएशन बड़ी खराब थी क्योंकि वो लोन देते थे और लोन की रिकवरी जो है नहीं होती थी। किसानों की अपनी समस्याएं हैं, आपको पता है। ठीक है, तो काफी कुछ कदम उठाए गए हैं और वो कदम लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम बता भी रहे हैं। हमारे साथ विजय सरदाना मौजूद हैं, टेक्नोलीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। सरदाना जी, अगर एक किसान की हम बात करें, जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें अगर किसान को वो ऋण लेने जाता है, बैंकों में जाता है, तो कई सारी उसको दिक्कतें होती हैं। उसके अलावा उसको अपने खेती बाड़ी के लिए अपनी मशीनें खरीदनी है, कई सारी उसको दिक्कतें होती हैं। अब जो ये छोटी छोटी यूनिट्स बना दी गई हैं पैक्स के रूप में, एफपीओ के रूप में, ये कितनी फायदेमंद हो रही है किसानों के लिए? आप सबको मेरा प्रणाम, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हमें दो चीजें अपनी पुराने इतिहास से और गलतियों से सीखना होगा। कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है बहुत समय से, एनडीडीबी का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने है, अमूल का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने है। बिल्कुल, वर्चुअली हर राज्य में कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ था। अगर हम गुजरात को छोड़ दें या एक और किसी स्टेट को छोड़ दें, ज्यादातर स्टेट्स में कोऑपरेटिव मूवमेंट फेल हुआ था। उसका कारण ये था कि हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बनाना शुरू कर दिया जी, लेकिन जो उनके ऑफिस बियरर्स थे उनकी स्किल डेवलपमेंट पे हमने ध्यान नहीं दिया। जो वहां पे अध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, जो वहां पे 3-4 जो लोग होते हैं, हमने उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एक सबसे बड़ी गलती ये हुई। तो उम्मीद है कि इस बार हमारे जो कोऑपरेटिव मंत्रालय है वो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देगा। और स्किल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी कोऑपरेटिव आज बाजार में सक्षम खड़ी हो। अगर वो हर काम के लिए सरकार की तरफ देखेंगे और मंत्रालय की तरफ देखेंगे तो ये बैसाखी पे इंस्टीट्यूशन बनाना है जो ज्यादा नहीं चलेगा, नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए जिस तरह से अभी कोऑपरेटिव एसोसिएशंस या कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूट हैं, जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनमें बदलाव की जरूरत है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी आउटडेटेड है। आज हम ग्लोबलाइज्ड मार्केट में हैं, आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन भी है। और जब कंज्यूमर बाजार में जाता है वो ये नहीं देखता है कि ये सब्जी कोऑपरेटिव से आ रही है, एफपीओ से आ रही है या प्राइवेट कंपनी। ठीक है, आप तो जो कह रहे हैं जिन चीजों की जरूरत है वो मैं, शाहजी के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है नाबार्ड के। शाहजी के भी जी, ये जो कह रहे हैं कि अभी इसकी जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, क्या कुछ कर रहा है नाबार्ड इसके लिए?
ये स्किल डेवलपमेंट के बारे में हमारा कॉपरेटिव मिनिस्ट्री भी बहुत सारे स्टेप्स लिया हुआ है। हमने ये एसेस किया है कि लगभग 8 से 10 लाख तक लोगों को ट्रेनिंग देना है। ये एक प्लान बनाया हुआ है, उसमें बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड का जो संस्था है वो अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में मॉड्यूल्स बनाया हुआ है। क्योंकि जो भी एक्टिविटीज आप जानते हैं कि टैक्स को अदर देन क्रेडिट एक्टिविटीज भी करना है, वो सब बिजनेस एक्टिविटीज है। वो बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए उनके पास स्किल होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए। ये सब हर बिजनेस एक्टिविटी जो टैक्स करने वाला है उसके लिए मॉड्यूल्स बनाया हुआ है और ट्रेनर्स को अभी हर राज्य में ट्रेनर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है और ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनर्स आगे जाके पैक्स का सेक्रेटरीज और पैक्स का जो भी ऑफिस बेयरर्स है और पैक्स का जो एम्प्लॉयज है सभी को ट्रेनिंग करते हैं। इसमें मॉड्यूल्स जो है वो जो स्टेट ऑफ आर्ट मॉड्यूल्स है उसमें जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स भी है, जैसे बैलेंस शीट कैसे बनाना, बैलेंस शीट का हमारा प्लान कैसे करना है, प्रॉफिट प्लानिंग कैसे करना है। और हर बिजनेस एक्टिविटी जो करना चाहते हैं, चाहे वो सुपरमार्केट करना चाहते हैं या कुछ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज करना चाहते हैं, उनके लिए फोकस्ड मॉड्यूल्स दिया हुआ है। वो सब हम ये जो कंप्यूटराइज करने, अभी आप जानते हैं कि कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, 18,000 पैक्स कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, 65,000 जो टारगेट है वो सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उसमें जो ट्रांसपेरेंसी जो आते हैं उसमें ईआरपी मॉड्यूल्स है, वो हर ईआरपी मॉड्यूल्स हर जो पैक्स को जो बिजनेस एक्टिविटी है उसके मुताबिक ईआरपी मॉड्यूल्स कस्टमाइज करके देते हैं। और जो पैक्स का जो एम्प्लॉयज है वो एक्टिविटी में कॉन्सेंट कर सकते हैं, जैसे वो बुक बिल्डिंग का या उनका अकाउंट कीपिंग का, ये सब कंप्यूटर टेक। चलिए ठीक है, काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मुकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद एफपीओ चलाते हैं, उनसे हम काफी बातचीत करेंगे कि ग्राउंड पे किस तरह से उन्होंने लोगों को जोड़ा, क्या कुछ उनको फायदे हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा, कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadi.gov.in पर आमंत्रित हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सहकारिता से किस तरह से किसानों को फ़ायदा हो रहा है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मुकेश पांडे हैं, मिर्ज़ापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कृष्णवीर जी, आपके पास इसके बाद हम आएंगे क्योंकि आप किसान नेता हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत आपसे हमको करनी है, लेकिन सबसे पहले हम मुकेश पांडे जी के पास चलेंगे। मुकेश जी, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की, कैसे संगठन बनाया, सबसे पहले ये बताइए। सो नमस्कार सभी को, मेरा नाम मुकेश पांडे है, मैं मिर्जापुर में हूँ, सीखड़ ब्लॉक से। नव चेतना एग्रो सेंटर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सृजन नाबार्ड के एफपीओ प्रमोशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2019 में हुआ और 2019 से कार्यक्रम के स्थापना के बाद, संस्था के स्थापना के बाद बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लखनऊ में हम लोगों के बोर्ड की प्रॉपर बैठक ट्रेनिंग कराई गई तथा डीडीएम
नाबार्ड मिर्जापुर ने एफपीओ कार्यशाला करा के एफपीओ का क्षमता वर्धन कराया। इस क्रम में क्या हुआ कि हम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी और आज नवचेतना 1300 किसानों का समूह है जिसमें 40% से ज्यादा महिला किसान है। नवचेतना वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में स्टेब्लिश हुआ है। हम 1,00,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट वार्षिक क्षमता के साथ काम कर रहे हैं जिसमें 367 महिला उद्यमी वर्मी कंपोस्ट को प्रमोट कर रही है। वर्मी कंपोस्ट को हमने इसलिए किया है कि हमारे नवचेतना का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक इनपुट को हम प्रमोट करेंगे। उस क्रम में हम लोगों ने न सिर्फ अपने देश में जिले में प्रदेश में इस वर्मी कंपोस्ट को बेचा बल्कि नवचेतना वर्मी कंपोस्ट को इंडिया से एक्सपोर्ट करने वाली पहली संस्था बनी जिसमें नाबार्ड के डीडीएम साहब का और नाबार्ड का बड़ा सहयोग रहा जिन्होंने हमें हमारी समझ को वृद्धि कराई, हमें लिंक किया एक्सपोर्ट करने वाली एजेंसीज के साथ, हमें बायर्स डील दिलाई। आज नवचेतना के इस मुहिम के कारण हिंदुस्तान में जो क्लीन इंडिया मूवमेंट है, जो सड़कों पे गोबर फेंक दी जाती थी उस गोबर को हम लोग वेस्ट टू वेल्थ के क्रिएशन में काम कर रहे हैं और इससे डायरेक्टली 70 डेयरीज को रिवाइव करने का मौका मिला है जो कि जिसमें डेयरी पशुपालकों की इनकम में वृद्धि हुई है। हम बात करें कि एफपीओ के उद्देश्य की तो एफपीओ का जो मेजर उद्देश्य है कि किसान में बार्गेनिंग पावर की समृद्धि करना है। किसान मुख्यतः दो मौकों पे जटा लिया जाता है, नुकसान पाता था, एक तो खरीदते समय एक बेचते समय। तो एफपीओ का जो निर्माण हुआ उसमें क्या हुआ, हम 1300 किसान एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, हमने अपनी डिमांड बनाई, हम कंपनियों को बीइंग ए सीईओ मेरी जिम्मेदारी ये थी कि हम कंपनियों को हमने चिट्ठी लिखी कि इस तरीके का गेहूं इस तरीके का बीज हमको चाहिए और उसमें हमें काफी मार्जिन मिला। हम खरीदते समय मजबूती आई और बेचने के क्रम में जब हम एफपीओ के माध्यम से अपने किसानों के प्रोड्यूस को लेके मंडी में व इत्यादि जगहों पे गए तो वहां पे भी हमारे पास चूंकि बल्क में मात्रा थी तो हम बायर्स से अच्छे से बार्गेनिंग कर पाए। तो ये सब नवचेतना एफपीओ ने किया है और आपको बताए देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट एफपीओ अवार्ड के क्रम में नवचेतना द्वितीय स्थल की एफपीओ रही है। ठीक है मुकेश जी, अब सवाल ये है कि जब किसान ही किसान की मदद करे, इस तरह से संगठन बनाए, एफपीओ बनाए और पैक्स की मदद मिल रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सरकार की ओर से कोऑपरेट किया जा रहा है, तो इस सब के बीच जो इस वक्त पे एक जिस तरह की बहस चल रही है, कुछ किसान संगठन उस बहस को आगे बढ़ा रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरफ सरकार इतने सारे कदम उठा रही है, तो आपका क्या कुछ इस पर नज़रिया है? हम मानते हैं कि सर इस समय मतलब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी रहा हूं, हिंदुस्तान में जो इस समय कृषि को लेके अनुकूल माहौल है वैसा मेरे को कभी नहीं लगा कि कभी भूत में रहा हो। तो बीइंग ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ हमारे लिए तो काफी अच्छा वातावरण है, हमने काफी मार्जिन कमाई है, रेवेन्यूज पाए, हमारे फार्मर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हमें लगता है कि किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक होके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने किसानों को अपने अपने मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट कराना हमारी दायित्व है और बहुत अच्छे वातावरण में कृषि का विकास हो रहा है, इसको गति मिलनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर वहाँ पर किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नमस्कार, सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव शहर अमीर गरीब हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है।
साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। टेक स्टार्टअप सॉलिड का प्लान था, कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अब कमजोर पड़ता जा रहा है। किसानों द्वारा आयोजित WTO विरोध और कैंडल मार्च में जुटी आंशिक भीड़ से आंदोलनकर्मी किसान चिंतित नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। MSP व अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन अब धीरे धीरे विफल होता जा रहा है। आंदोलन में किसानों की घटती संख्या और गिरते मनोबल के कारण संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली चलो मार्च का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिए जाने के बाद धरना स्थल शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या में भी भारी कमी देखी गई, जिससे आंदोलन की धार और रफ्तार मंद होती जा रही है। धरना स्थल पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नाम मात्र के किसान दिखाई दिए। कतार में खड़ी ट्रॉलियों में दिखाई दे रहे किसान नेताओं के चेहरों पर घटती भीड़ से मायूसी साफ तौर पर देखी जा रही है। धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे किसानों ने इस विषय पर शंभू बॉर्डर पर लंबे दौर की मैराथन बैठक भी की। शाम को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के नेतृत्व में किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने WTO के विरोध में सभा का आयोजन किया, जिसमें किसानों की कमी देखी गई। इससे पूर्व किसान संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला था, उसमें भी किसान कम और नेता ज्यादा दिखाई दिए। मीडिया से बात करते हुए सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि मृतक किसान शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला था। पंढेर ने कहा कि सरकार से हम अपनी मांगों को लेकर आशान्वित हैं। पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकालेंगे, इन सब मांगों के ऊपर आज का मोर्चा कैंडल मार्च कर रहा है, तो इसके लिए आज का प्रोग्राम हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं ने WTO के विरोध में आयोजित सभा में कहा कि पहले खेती लाभ का सौदा हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मांग है जो किसान अपने MSP पे लड़ रहे हैं जी, वो हमें मिलने चाहिए। किसान को जो मुनाफा होता है, जो बचत होती है, वो नहीं मिलती है। जितना आप कमाते हैं किसान, उतना नहीं मिल पाता है। आंदोलन से किसानों के मोह भंग से चिंतित किसान नेताओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर किसानों को संबोधित किया और आंदोलन कमजोर ना हो इसके लिए एकजुट रहकर भीड़ लाने के लिए जोशीले नारे लगवाए और अपील की, जो बेअसर रही। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि इस नए प्लान के मुताबिक शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO पर चर्चा हुई। 26 फरवरी को बॉर्डर पर पुतला दहन के बाद 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी होगी। DD न्यूज के लिए शंभू बॉर्डर से OP यादव की रिपोर्ट। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, वो खुद किसान संगठन से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, कृष्णबीर चौधरी। कृष्णबीर जी, एक तरफ हमने जो पंजाब हरियाणा सीमा पर पंजाब के कुछ किसान संगठन वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी अभी उनको हमने सुना भी और दिखाया भी किस तरह से वो आंदोलन उनका जो है कमज़ोर पड़ रहा है। वो कहते हैं खेती किसानी में कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ हम ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह से FPO बना करके और ग्राउंड पर किस तरह से किसान अपने को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इस सब के बीच ये जो किसान कुछ किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ आप कहेंगे? मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल रखूंगा कोऑपरेटिव सेक्टर की और FPO की, जो भारतीय कृषक समाज की टीम काम कर रही है। पहला उदाहरण मैं रखूंगा वेंकटेश्वरा एग्रो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मालेगांव महाराष्ट्र में है। हमारे पास एक्स आर्मी के 78 कमांडो इकट्ठा हुए और शिवाजी राव डोले, जो हमारे समाज के बहुत पुराने काम देखते हैं, और वहां की प्रभारी ज्योति सुरसे कृषक समाज की, आज 528 एकड़ में खेती का काम शुरू करवाया। सारे जवान इकट्ठा हुए, बिल्कुल बंजर जमीन थी, पानी नहीं था,
पानी के स्टॉक बनाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई, जमीन को समतल किया। आज आप उसमें देखिए कि अंगूर का ऑर्गेनिक की खेती करवा रहे हैं, केले की करवा रहे हैं, अनार की करवा रहे हैं, आम के बाग कर रहे हैं, हल्दी का काम खेती करा रहे हैं, और इतने बढ़िया तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर में एक ऐसी एग्जाम्पल इस्टेब्लिश की है देश के सामने कि वो एक मॉडल है, और उस मॉडल में आज 70,000 किसान जो है उसके साथ सदस्य जुड़ गए हैं। ये एक दूसरा उदाहरण मैं आपको जम्मू कश्मीर का दूंगा, जो हमारे भारतीय कृषक समाज की टीम काम कर रही है, बिल्कुल नौशेरा जो पाकिस्तान सीमा का आखिरी जगह है, वहां पर भवानी के अंदर हमारे कृषक समाज के सुनील चौधरी जो वहां के अध्यक्ष हैं, वो वहां एफपीओ, उन्होंने मक्का के चौधरी साहब उदाहरण हम भी दे रहे हैं और बात भी करा रहे हैं, जो ग्राउंड पे वहां पर लोग हैं उनसे हम बात भी करवा रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। ये जो पंजाब हरियाणा सीमा पर चल रहा है, लगातार कमजोर पड़ रहा है उनका आंदोलन, उनको देश भर से कोई समर्थन भी नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि वो राजनीति से प्रेरित था, पहले भी राजनीति की बात उनके दिमाग में रही, और राजनीतिक दलों से प्रेरित होने के बाद जो उन्होंने किया और एनजीओ का जो खेल शुरू हुआ, आप ये बताइए क्या WTO आज बना है? 1 जनवरी 1995 को WTO साइन किया गया था, क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज इस सरकार ने किए? पहली सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते चले आ रहे थे। आप अगर ईमानदारी की बात मैं करूं तो आज 2013 में जो WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में जो पीस क्लॉज से सिर्फ लेके आए थे यूपीए की सरकार, जो आज उदाहरण हो गया, 3 साल के लिए था, लेकिन शुक्र करिए इस देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने पीस क्लॉज को मजबूती के साथ, और आज किसानों का जो खरीद हो रही है एमएसपी पर वो इसलिए हो रही है कि पीस क्लॉज को मजबूती से बढ़ावा दिलवाया, और स्थायी समाधान के लिए WTO के अंदर जो है सरकार जो काम कर रही है, मजबूती से दबाव डाल के काम कर रही है। तो ये इस तरीके की बात करना ये शोभा नहीं देता, ये किसानों की बात नहीं है, ये आज 2024 का जो चुनाव है ये एजेंडा इंटरनेशनल फोर्सेस का है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो भारत के विकास को बर्दाश्त नहीं करती, उन्होंने गुमराह करके और अपने पैसे के धन के बल पर ये सब जो है किसानों के नाम पर ये आंदोलन, भोले भाले किसानों को सामने करके करना उचित नहीं है। किसानों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन क्या इन किसान संगठन के नेताओं ने कितने कोऑपरेटिव सेक्टर को इकट्ठा किया, कितने ठीक है ज्यादा हम इसकी राजनीति पे अभी इस वक्त जाना नहीं चाहते, हम दरअसल ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ सहकारिता का फायदा उठा रहे हैं किसान, और दूसरी तरफ कुछ किसान संगठन हैं एक पर्टिकुलर राज्य के, वो बात को समझ ही नहीं रहे हैं। विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी कहाँ से जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ? विनय जी आप अनम्यूट करिए अपने सिस्टम को। सिर्फ ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज। बोलिए। ठीक है, इनसे अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। विजय सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरदाना साहब क्या कुछ चल रहा है जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, क्या कुछ कहेंगे आप? हो गया, सही है, सही है। देखिए दुख की बात यह है कि विनय जी आ रहे हैं, एक मिनट जी, सरदाना जी बताइए। इस समय जो पंजाब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो कम्युनिस्ट पार्टीज के पीछे पूरा आइडियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि साहब सरकार खरीदे, सरकार सब कुछ करे। अगर सरकार सब कुछ खरीदेगी तो सरकार को फिर प्रोडक्शन कंट्रोल भी करना होगा, तो हम डेमोक्रेसी की जगह कम्युनिस्ट शासन की तरफ बढ़ जाएंगे। और यही बात चौधरी चरण सिंह जी भी अपने बारे में अपने किताब में लिख के गए हैं कि अगर हमने सरकार को कहा कि वो सब खरीदे और सरकार ही खरीदे, सरकार ही बांटे, सरकार ही सब्सिडी दे और उसमें किसानों का एंटरप्रेन्योरशिप रोल खत्म हो जाए, प्राइवेट रोल खत्म हो जाए, किसान खुद बाजार में ना जाए और सरकार के भरोसे बैठ जाए, तो इस देश में डेमोक्रेसी को भी खतरा है और कम्युनिज्म हम लाने का प्रयास कर रहे हैं जो इस देश के लिए घातक होगा। तो ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। हमारे अनफॉर्चुनेटली किसान नेताओं को जो मिसलीड कर रहे हैं उनका अपना एजेंडा है। आप देखेंगे ठीक है, राजनीतिक लड़ाई है सर, दरअसल वक्त हमारे पास कम है, हमको ये विनय से हमको बात करना बहुत जरूरी है। विनय कहां से जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ? विनय मिश्रा मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी एकदम, मैं मिर्जापुर यूपी से हूँ। मिर्जापुर से जुड़ रहे हैं आप?
विनय ये बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की, किस तरह से संगठन बनाया और अपने गांव के आसपास के किसानों को आप किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं? सर संगठन मैंने जब 2017 में हमारी योगी जी सरकार बनी यूपी में तो हमने वहां पे चुनाव लड़ा, 18 में वहां का अध्यक्ष हुआ। इसके पहले मतलब माननीय योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सहकारिता का अभी दिख रहा इस साल जो हमारा उद्घाटन में अभी गया था दिल्ली, अभी जो हो रहा है ना ऐसा लग रहा है गांव में किसान बीज लेने के लिए आज न खाद की कमी है न बीज की कमी है, किसानों का एमएसपी रेट पे धान वही समिति पे तौल हो रहा है। इस साल सरकार ने बाजरा का तौल शुरू करा है, बाजरा पूरे मेरे केंद्र पे तौल हुआ हमारे मिर्जापुर में पहली बार, अभी तक हमारी लाइफ पहली बार मिर्जापुर में 35,000 क्विंटल बाजरा का तौल हुआ जो कि कभी तौल नहीं होता था समितियों पे। धान में एमएसपी रेट पे किसान, इस समय किसान हमारे क्षेत्र के 9 ग्राम सभा किसान इतने खुशहाल है, ऐसे चल रहा है कि आपको मैं क्या बताऊं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सहकारिता मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो योजना का ये कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि आगे चल के किसान बर्बाद नहीं, इतने खुशहाल है, इतने खुशहाल है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, एक बार अंतिम सवाल हम शाहजी केबी के पास चलेंगे। शाहजी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये एक पूरी सफलता की कहानी है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्या कुछ नाबार्ड ने सोचा है आगे के लिए? या आपने जो सुना है कि अभी जो भी काम हो रहा है जो कन्वर्जन फील्ड लेवल पे वो पैक के थ्रू हो रहा है, वो उस चीज के लिए जो कन्वर्जेंस का जो भी स्कीमें हैं वो सब अंडरटेक करने के लिए पैक्स को मजबूत करना है। कंप्यूटरीकरण एक पहला स्टेप है, उसके बाद जो भी सुविधाएं फार्मर्स को मिलना है वो पैक्स के थ्रू मिलना है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट वो बैंकिंग सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज अभी कोऑपरेटिव बैंक्स के जो कर रहे हैं वो टॉप क्लास होना चाहिए, इसके लिए पैक्स को अच्छी तरह टेक्नोलॉजी के लिए कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ के पैक्स को अदर देन क्रेडिट एक्टिविटीज जो है वो करने के लिए खुद का क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह करना है। और ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो डेयरी सोसाइटीज है, मत्स्योत्पादन सोसाइटीज है, ये सबको डिजिटल करके उनको बैंकों का मित्र बनाना है। उससे जो केसीसी का जो बटन है केसीसी का जो नंबर्स है वो बढ़ाना है, वो डेयरी सोसाइटीज को भी डेयरी फार्मर्स को भी केसीसी मिलना चाहिए, उसके लिए भी एक अभियान चल रहा है, उससे उनको कम ब्याज में लोन मिलता है और अपना जो एक्टिविटीज है वो तेजी से बढ़ा के आगे बढ़ा सकते हैं। और जो पर्सनलाइज्ड जो पैक्स की जो भी एक्टिविटीज है वो कस्टमाइज्ड एक्टिविटीज, जिस पैक्स को जिस काम के लिए जरूरत है उसका जो टेक्नोलॉजी उनको देने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल वक्त अब नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है इस कार्यक्रम का, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही और हमने इस पूरी बातचीत के दौरान ग्राउंड से भी लोगों को जोड़ा जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, एफपीओ बनाए हैं और पैक्स के जरिए जो फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने आसपास के किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं, उनकी कहानी भी हमने आपको दिखाई। हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से जो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं उसमें कुछ किसान संगठन हैं, उनका जो आंदोलन है वो लगातार क्यों कमज़ोर हो रहा है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो कहीं ना कहीं सहकार यानी कि सहकारिता बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है देश के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। इस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।